इसे हांडी चिकन बोलते हैं, अब नाम भी हांडी रखा हुआ है दुकान का ना। हाँ जी जी, हांडी। इसे हांडी चिकन बोलते हैं, घर से बना के लेके आते हैं बस। भाई पैक वाले इग्नोर करो, जिम वाले जरूर आ जाना यहाँ पे। एक्चुअली में बादशाह ग्रेवी जैसे बोलूंगा मैं, जिसको मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को ना पागल कर रखा, दीवाना कर रखा। ये है भाई पेरी पेरी चिकन, पेरी पेरी सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, और ये लेमन फ्लेवर का है सीख कबाब। पैसे लेना नहीं, खुद पता लगा मेरे पिछले तारे नहीं जोड़ दी, 5 रुपया मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। 160 रुपए में 3 पीस मिल रहे हैं, 3 पीस। मैंने तो भाई दिलशाद गार्डन में उस टाइम मैं पानी की टंकी के साथ, आपका डियर पार्क है उसके वहाँ पे, यहाँ पे एक सरदार जी हैं जिन्होंने एक स्कूटर पे सॉरी बाइक पे कार्ड लगा रखा पूरा का पूरा, देखोगे ना डिज़ाइन किया हुआ है, और क्या सुंदर कार्ड लग रहा है, इतना बढ़िया। ये वीडियो एक्चुअली ना मैंने देखा था फूड कर्स का, क्या प्रभजोत का फेसबुक पर, तब से दिमाग हिल गया था मेरा कि यार यहाँ पे आके इसको ट्राई जरूर करना है, और दिलशाद गार्डन के अंदर हमारा पहला वीडियो हुआ है शायद। तो आ जाओ बात करते हैं सरदार जी से, कितने रुपये का है, क्या क्या मिलता है और टाइमिंग्स क्या है। आ जाओ। सशीकल भाजी की हाल चाल भाई। भाई क्या बना रहे इधर देखिए, ये देख भाई क्या बना रहे, ये लेमन चिकन है। हाँ, लेमन। ओहो ये किसी का लग रहा है भाई, ये लग रहा है लेमन चिकन। डाल डालो नींबू डालो। एक कितने रुपये का आंदा जी? 130 रुपये दे दी। 130 रुपये, कितने पीस होंगे? 4 पीस है। मैंने 4 पीस का पूरा पीस होगा। अच्छा पूरा यार, ये तो मतलब कि हेल्दी वाला हो गया वर्जन, बहुत बढ़िया यार, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम देखने में मज़ेदार लग रहा है। तो भाई अगर मैं बात करूँ ना कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है इनके पास ना, चिमले खा के भी खुश हो मैंने। हाँ प्लग जो पैक लगाने वो भी खुश हो मैंने। क्या बात है भाई, पैक वाले इग्नोर करो, जिम वाले जरूर आ जाना यहाँ पे। तो कारोबार वाला काम हम काम नहीं करते पूरा। तो ये देखो पहले ये आइटम जो सा है ना, ये है हांडी, इसे हांडी चिकन बोलते हैं, अब नाम भी हांडी रखा हुआ है दुकान का ना। हाँ जी जी, हांडी। इसे हांडी चिकन बोलते हैं, घर से बना के लेके आते हैं, बस असेंबलिंग यहाँ पे करते हैं। अगर आप देखोगे ना ग्रेवी एकदम बढ़िया लाजवाब ग्रेवी है। आई विश कि मैं आपको कैमरे में से मतलब कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो आपको मैं महसूस करा सकता, बट एक्चुअली मैं 160 रुपये के 3 पीस हैं जो आपको मिलेंगे, साथ में खाने के लिए तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और घर वाली रोटी, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ ना सरदार जी, एक बार दिखाना है, ये देखो ये सारे पीस पड़े हुए हैं, घर पे पूरा एक साथ बनता है, उसके बाद ये पीस सारे निकाल लेते हैं ताकि पीस ग्रेवी के अंदर गल ना जाए, और ग्रेवी दिखा दे वो हिला के। ये देखो भाई साहब, ये है एक्चुअली में बादशाह ग्रेवी जैसे बोलूँगा मैं, जिसको मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को ना पागल कर रखा, दीवाना कर रखा। अरे स्विगी से ऑर्डर दे भी अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पैक करके सामान भी रख रहे हो, मतलब लोग आके बुकिंग करा देते हैं। क्या बात है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा तो मेरे को ग्रुप बने हुआ है ब्रॉडकास्ट का। अरे दो ग्रुप बने हुए हैं, दोनों मैं मैसेज कर देना, तो मैंने सारे लोग फोन कर देने, मैसेज कर देना कि मेरा एडम लग देना भाई साहब। ये मैंने पहली बार देखा है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बाजी ने क्या करा कि व्हाट्सएप पे लोग गप्पे शप्पे तो मारते हैं, पर इन्होंने अपना सामान भी बेचना उसी पे शुरू कर दिया। भाई ब्रॉडकास्ट मैसेज में हम सबको मैसेज आते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली किसी का भी, लेकिन ऐसे मैसेज कि भैया आज टंगड़ी बनाइए, आ जाना दुकान पे खाने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। पाजी एक बारी एनू दिखा दो, एक बारी ये है भाई जादुई पिटारा। एक्चुअली में बहुत सारे लोग इनको स्टीमर वाले सरदार जी भी बोलते हैं, स्टीमर वाले क्यों? अच्छा ये एल पी लिखा हुआ है तो ये एल का मतलब लेग, और लेग हो गया, मतलब हो गया पेरी पेरी, पेरी, पेरी। और ये एल एल लिखा हुआ है तो ये लेमन लेग हो गया। अच्छा ये लेमन फ्लेवर, मतलब पैक करके रखता हूँ फ्लेवरों के अंदर। और ये मेरे पास वैसे एक बात बताओ, आपने मेरे को आते ही बोला था लेग खत्म हो गई, इतना सारा लेग तो बड़े हैं, ये लेग बुकिंग देना था। देखो ना ना भाई, जो आ गया आ गया, तिलियां बढ़िया हुई है ना, देख रहे हो जो आ गया आ गया, तिली है देखो यार, निकल गई तिली, जो आ गया आ गया। जी मेरे को भाई लेमन और अच्छा कबाब भी है, कबाब होते हैं, कबाब भी मेरे पास पी का मतलब वही पैरी पैरी। हाँ लेमन का, लेमन और गार्लिक होता है ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि आप टेस्ट क्या करा रहे हो? जो भी खाना चाहोगे वो खिलाएंगे आपको, लेग पीस खिला दोगे और साथ में 3 पीस इसके लगा दो, साथ में रुमाली रोटी। अब ये देखो ये किसी की पैकिंग हो रही है, कराओ भाई पैकिंग, ये देख ले भाई 3 पीस 160 रुपए। रुमाली रोटी कितने दिए? रुमाली रोटी देखिए 20 रुपए की। अच्छा 20 रुपए की 3 रुमाली रोटी। हाँ जी भाई साहब, मैं जोमेटो से मंगाता हूँ 25 रुपए की 1 रुमाली रोटी। ये भैया वहाँ पे खा रहे हैं, भैया से रिव्यू लेते हैं। आज तो ये भैया क्या नाम है आपका? करण। अरे भाई मेरा नाम भी करण है यार, तो करण मिल गया भाई। भाई एक बात बताओ, आप पहली बार आए या आते रहते हो? पहली बार ही आया हूँ। आपको कैसा लगा, माल कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है दोबारा आने वाला? नहीं नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार आया।
मतलब ये आइटम अच्छा थोड़ा यूनिक आइटम लगा ना, बिल्कुल है, स्पाइसी भी है और बटर भी है, बहुत बढ़िया आइटम है। मतलब कि इसे हेल्दी भी बोलेंगे थोड़ा, क्योंकि स्टीम हो रखा है, फ्राइड नहीं है, डाइट वाला अलग से बना देते हैं, डाइट वाला अलग से है, बिना बटर दे। अच्छा ये विद बटर वाला लिया आपने, क्या बात है भाई। मतलब ये देखो स्नैक्स खाए जा रहे हैं सिर्फ हल्के फुल्के, क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है दिल्ली में, और उस सर्दी को दूर करने के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये हमारे पाजी, आपको पता ही है किस लिए रखा है मैंने इसको, ये खाना खाने के लिए आया। तो भाई एक्चुअली में ना इस पूरी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 20 से 25 हाँ 20 से 25 ऑप्शन तो कम से कम होंगे। एक काम करते हैं, फटाफट लगवाते हैं अपने लिए कुछ आइटम और टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट कैसा। पिछले वीडियो में पंच मारा थी इन्हें पैसे लेना नहीं, पता लगा मेरे पिछली तारे नहीं जोड़ी, 5 रुपया मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, पता नहीं फिर आज होता नहीं क्या ही होगा, फोन भी हो ही है। क्या बात है भाई, ये देखो सीख कबाब है, और ये क्या है, ये लेग पीस है, ये लेग पीस है, पेरी पेरी वाला, ये सारा हमारा है। हाँ जी आप ही कहिए। ओ भाई साहब मजा ही आ गया फिर तो आज, चलो भाई आ जाओ टेस्टिंग, आ जाओ टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए। भाई सामान पूरा का पूरा आ चुका है बढ़िया से। ये है भाई पेरी पेरी चिकन जो कि एकदम स्टीम किया हुआ है। ये आ गया भाई हमारा पेरी पेरी सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, और ये लेमन फ्लेवर का है सीख कबाब। और ये देखो भाई 160 रुपये में 3 पीस मिल रहे हैं, 3 पीस मैंने आपको पूरा बता दिया पहले भी, 3 पीस चिकन हांडी के 160 रुपये में। भाई क्वालिटी वाला फूड लग रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पैकिंग ऑलरेडी हो रखी है, बुकिंग हो जाती है व्हाट्सअप पे ही पहली, तो उससे बढ़िया चीज़ आप और क्या लोगे। तो एक काम करता हूँ भाई, अब मैं भी टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको टेस्ट करके कि एक्चुअली में टेस्ट कैसा है। तो भाई ये देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसी की बाइट लूँगा, ये देखो, देख रहे हो, ये लगाया भाई मेरा। तो सबसे पहले बात पता क्या है, चिकन छोड़ो 160 रुपये का मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन रुमाली रोटी 20 रुपये की, 3 रुमाली रोटी, शब्द नहीं है मेरे पास, इतना टेस्टी चिकन है ना, इतनी टेस्टी ग्रेवी है इसकी, सीरियसली स्पीचलेस है भाई, वर्ड्स नहीं है इसके लिए कहने के लिए। इस क्वालिटी के अंदर ऐसा सामान मिलना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, दिलशाद गार्डन आना पड़ेगा इसको खाने के लिए। जो देखो कितना सॉफ्ट है, क्योंकि ये स्टीम हुआ है, ऊपर से जो मैरिनेशन का है ना वो पेरी पेरी मसाला है। इसको भी रुमाली रोटी का खाते हैं। मैं देख रहा हूँ बड़े सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि गाड़ियों में बैठ के फूड इन्जॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ना जब मैंने प्रभजोत की वीडियो देखी थी मुझे तब पता चल गया था भाई कि यहाँ पे आना ज़रूरी है। और ये देख ले भाई, ये है पेरी पेरी सीख कबाब। ओहो भाई जूसी है, फ्लेवर बहुत बढ़िया है, एक्चुअली सारी गेम फ्लेवर की है। अगर आप चिकन खाते हो ना तो आपको सरदार जी के पास आना पड़ेगा इसको ट्राई करने के लिए। भाई आप बताओ इतना बढ़िया स्टीम चिकन वो भी फ्लेवर वाला कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई, कहीं नहीं मिलेगा। तो इसे हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं और ढूंढते हैं और बढ़िया जगह निशाद गार्डन में आपके लिए। चीयर्स।